इलाहाबाद के एक शख्स ने अपनी जिंदगी के 30 साल समाज की सेवा में लगा दिए। ये कहानी पतविंदर सिंह की है, जिन्होंने महज 12 साल की उम्र से ही समाज में फैली कमियों को दूर करने का जिम्मा उठाया। 43 साल के पतविंदर सिंह 1988 से लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। वोट डालने के लिए जागरूकता अभियान हो या फिर अमन शांति की अपील, सभी मुद्दों पर पतविंदर पिछले 30 सालों से लगे हुए हैं। मैं पिछले अनगिनत साल गिनती नहीं किए जा सकते उंगलियों में, और ना ही पेपर कटिंग की नहीं जा सकती है उंगलियों में। इतना रोज ही कुछ ना कुछ देश में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो कभी नंगे पैर चल देते हैं, कभी जूतों की माला पहन लेते हैं, कभी क्या बॉडी में लिखा लेते हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दे, और कभी प्ले कार्ड ले लेते हैं, और कभी लोगों के बूट साफ करने लग जाते हैं, कभी लोगों के पैर धोने लग जाते हैं। जिस हिसाब से भी समाज में एक स्वच्छ वातावरण बने, उस उद्देश्य के लिए काम करते रहते हैं। पतविंदर के पास इतने रिकॉर्ड हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता। पूरे शहर के साथ साथ इनके चर्चे देश में भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। उसका अमल हो जाए, लोगों समाज में कुछ असर पड़ जाए, हमारी यही सोच है और यही हमारी इच्छा है कि जो मैं सामाजिक जागरूकता के काम कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि वृक्षारोपण करिए, दहेज मत लीजिए, कन्या भ्रूण हत्या ना करिए, नशा ना करिए, गंगा को स्वच्छ रखिए, वातावरण को स्वच्छ और निर्मल रखिए, जो हमारा उद्देश्य है, जो मैं लोगों को संदेश देता हूँ, अगर उस पर अमल कर लें तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, पतविंदर सिंह आज उन लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उम्मीद है कि पतविंदर से लोग प्रेरणा लेंगे और देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।